नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। स्वामी रामदेव के महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। राज्य महिला आयोग ने स्वामी रामदेव को नोटिस भी भेजा है। सुल्तानपुर में विधायक विनोद सिंह ने डीएम समेत तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में गोमती पुल की मरम्मत सहित जाम की समस्या को जल्द निपटवाने के निर्देश दिए गए। सुल्तानपुर में डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों को जल्द ही न्याय का आश्वासन दिया गया। सुल्तानपुर में एसपी ने पुलिस कार्यालय में जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को जल्द ही निपटारे के निर्देश दिए गए। सुल्तानपुर के धम्मौर में मौजूद भाई गांव का रहने वाला शुभम लापता हो गया है। धम्मौर थाना अध्यक्ष ने नंबर जारी करते हुए लोगों से सूचना देने की अपील की है। सुल्तानपुर विकासखंड बल्दीराय में 98 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह और ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह भी शामिल हुए। सुल्तानपुर के कुरेभार में मौजूद स्पेक्ट्रम कॉलेज जमोली का श्रीमद भगवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव आज पूरा हुआ। इस यज्ञ में हजारों लोग शामिल हुए। अमेठी में 30 नवंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन संजय गांधी पॉलिटेक्निक जगदीशपुर में किया जाएगा। रायबरेली में यातायात पुलिस ने हेलमेट और गुलाब बांटे। यहाँ डिग्री कॉलेज चौराहे पर लोगों को जागरूक भी किया गया। रायबरेली में बछरावा क्षेत्र के इसिया ड्रेन के पास अजगर देखकर लोग घबरा गए। वहीं वन विभाग को सूचना देकर अजगर हटवाया गया। बाराबंकी में एसपी ने थाना मसौली में नियुक्त कर्मचारियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इन कर्मचारियों ने शहाबपुर में हुई चोरी का खुलासा किया है। अयोध्या में राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान महिला सशक्तिकरण जागरूकता रैली भी निकाली गई। बलरामपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बौद्ध अरविंद सिंह ने निरीक्षण किया। यहां लगातार अस्पताल पर भ्रष्टाचार और पैसे ऐंठने का आरोप लगाया जा रहा था। रामपुर में आजम खान ने जनसभा को संबोधित किया। आजम खान ने यहां अपने साथ हुई कार्रवाई को ज्यादती भी बताया। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।